अमेरिका को सभी मोर्चों पर अगर कोई बराबर की टक्कर दे रहा है तो वो चीन है। जमीनी जंग के हथियार हो, न्यूक्लियर मिसाइल हो, या फिर समुद्री अखाड़े के विध्वंसकारी जंगी बेड़े, ड्रैगन ने सुपर पावर के मुकाबले में मजबूत सेना और हथियार जुटा रखे हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार तक कई बार कहा है, तो क्या चीन में नरसंहार की लैब है? शी जिनपिंग की शिंजियांग विजिट के बाद यह शक गहरा गया है कि चीन एटमी साइट पर कोई बड़ा प्रयोग कर रहा है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए लोपनूर, ड्रैगन्स डार्क एनिग्मा। 12 जुलाई 2022 उरुम की चीन। एक लय एक ताल, धूमधाम से शाही इस्तकबाल। ऐसे वेलकम का आदि सिर्फ एक ही था, मगर चीनी मार्शल ने किम जोंग को भी मात दे दी। भाड़े की भीड़ जुटाई, जमकर तालियां बजवाई। कल्चरल प्रोग्राम कर शो ऑफ किया। ड्रैगन लैंड से मुनादी हुई कि बीजिंग के बादशाह ने शिनजियांग में सांस्कृतिक विजिट की, जिसमें उन्होंने डांस देखा, रिसर्च सेंटर गए, स्टूडेंट से मिले। दृश्य तब के हैं जब लाल सुल्तान चीन के सरहदी शहर में घूम रहा था। एलएसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लोगों से मिल रहा था, मगर जिनपिंग की इस विजिट की भनक दो दिन बाद जमाने को लगी। चाइनीज प्रेसिडेंट का शिनजियांग टूर इतना गुप्त क्यों रखा गया? भारत के बॉर्डर पर लाल सुल्तान आए क्यों? आए भी तो 8 साल लंबा इंतजार क्यों किया? ये सवाल दुनिया पूछ रही है, क्योंकि शिनजियांग रेगिस्तानी और शुष्क इलाका है। बेहद कम आबादी वाले इस सूबे में न्यूक्लियर साइट है। लोपनूर नाम की जगह पर एटमी टेस्टिंग ग्राउंड है। 50 के दशक में चीन ने यहाँ पर एटमी टेस्ट किया था। शिनजियांग अक्साई चिन और लद्दाख से सटा हुआ है। शिनजियांग की सरहद तिब्बत से भी सटी हुई है। उइगुर मुसलमानों को तबाह करने वाला टॉर्चर सेंटर यही है। जिनपिंग ने जिस शिनजियांग को दुनिया को दिखाया वो चमकता दमकता है, आलीशान इमारतें हैं, मगर इसी शिनजियांग के एक हिस्से में चीन किसी को झांकने तक नहीं देता। यहाँ बंजर जमीन, झीलों के सूखे गड्ढे, रेगिस्तान भर है। इस बियाबान में ड्रैगन का मोस्ट पावरफुल सेंटर बताया जाता है। यहाँ चीन ने पहला परमाणु बम टेस्ट किया था, वहीं उसका विनाशक जंगी गोदाम है। इतनी जानकारी चीन जमाने को देता आया, मगर सीक्रेट प्रोजेक्ट का पहली दफा अमेरिकी एजेंट्स ने पर्दाफाश कोरोना इन्वेस्टिगेशन के वक्त किया था। अमेरिकी एजेंट्स ने लोपनूर टेस्टिंग साइट की जांच के बाद दावा किया कि लोपनूर एटमी टेस्टिंग साइट पर दो तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। साइंटिस्ट की टीम और रेड आर्मी एक तरफ तो एटम बम की टेस्टिंग में जुटी थी, वहीं दूसरी टीम उन सीक्रेट प्रयोगशालाओं में काम कर रही थी जहां केमिकल और बायो वेपन तैयार किए जा रहे थे। चीन ने अमेरिका से पहले ही जैविक, केमिकल और रेडियोलॉजिकल युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने अपने जैविक हथियारों के कारखाने इंटरनेशनल प्रेशर के बाद बंद कर दिए, लेकिन चीन ने सीक्रेट मिशन को कभी नहीं रोका। लोपनूर की लैब में चीन ने कैसे कैसे बायो वेपन तैयार किए उसकी डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन जो जानकारियां मिली हैं उतनी ही अमेरिका के होश उड़ाने के लिए काफी है। जैसे कि ड्रैगन के जहरीले सेंटर में एंथ्रेक्स, ब्रूसिलोसिस, विब्रियो कॉलेरा, ग्लैंडर्स, लिस्टेरियोसिस, यर्सीनिया पेस्टिस, क्यू फीवर और स्वाइन फीवर जैसे घातक विषाणुओं पर रिसर्च कर उन्हें घातक बनाया गया है। जिनपिंग के केमिकल वेपन सेंटर में ऐसे रासायनिक गैस और केमिकल तैयार किए गए हैं जिनके सिंगल अटैक से महाविनाश हो सकता है। इसमें एक नाम VX ऑर्गेनोफॉस्फोरस का है। ये ऐसा जहर है जो हवा में फैलने के बाद कुछ ही सेकंड में इंसान का दम घोट देता है। इस केमिकल को सबसे पहले ब्रिटेन ने तैयार किया था, जिसे चीनी साइंटिस्ट ने और जहरीला बना डाला है। ये जहर इंसान के सभी अंगों पर असर करता है। इसके अटैक से दिल का ऐसा दौरा पड़ता है कि हट्टा कट्टा इंसान कुछ सेकंड में मौत की नींद सो जाता है। चाइनीज लैब में सिरिंज जैसी गैस ज्यादा जहरीली बनाने की भी अटकलें जताई गई। ड्रैगन का बायो बम कहा जाने वाला कोरोना जब पूरी दुनिया को दहला सकता है, तो उसके केमिकल वेपन किसी भी मुल्क का वजूद मिटा सकते हैं। फ्यूचर वॉर का एक फ्रंट अंतरिक्ष में भी ड्रैगन ने खोलकर पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है।